हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। जैसा कि आपको पता है, टिम्बर एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि हमको पेड़ों से मिलता है और इस पर हमेशा दीमक और फंगस लगने का खतरा बना रहता है, जिससे ये खराब हो सकती है और जो हमारा इंजीनियरिंग वर्क्स है वहाँ पर यूज़ नहीं की जा सकती। इसलिए लकड़ी को ख़राब होने से बचाने के लिए हम इस पर कई तरीके के प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करते हैं, जो इसकी लाइफ को भी बढ़ाता है और इसको दीमक और फंगस से भी बचाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर क्या है, ये किन तरीक़ों से किया जाता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रिजर्वेशन है क्या। तो प्रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो लकड़ी के ऊपर प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करके लकड़ी को फंगस और दीमक से बचाकर रखना और उसकी लाइफ को बढ़ाना, यही प्रिजर्वेशन कहलाता है। प्रिजर्वेशन से हमारे टिम्बर की लाइफ इंक्रीज होती है। प्रिजर्वेशन से जो हमारा टिम्बर है वो मोर ड्यूरेबल हो जाता है, साथ ही में जो हमारा टिम्बर है वो दीमक और फंगस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर प्राप्त कर लेता है। अगर सपोज़ करें हमने लकड़ी या टिम्बर के ऊपर प्रिजर्वेशन की प्रोसेस नहीं करी है तो क्या होगा, जो हमारी दीमक या फंगस है लकड़ी को इस डायग्राम में दिखाए गए लकड़ी की तरीके से खोखली कर देगी। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि इस लकड़ी पर किसी भी तरीके का प्रिजर्वेशन प्रोसेस नहीं करा गया और इसको दीमक ने खा लिया और ये लकड़ी हमारे अब किसी काम की नहीं रही। तो प्रिजर्वेशन के द्वारा हम लकड़ी की एज को बढ़ाते हैं और इसको दीमक और फंगस से बचाकर रखते हैं, यही प्रोसेस हमारी कहलाती है प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। अब हम जानेंगे कि एक अच्छे प्रिजर्वेटिव के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो जो हमारा प्रिजर्वेटिव है वो मार्केट में आसानी से मिलना चाहिए और सस्ता होना चाहिए। हमारे प्रिजर्वेटिव के अंदर कोई हार्मफुल केमिकल नहीं होना चाहिए, कोई हार्मफुल गैस नहीं होनी चाहिए। हमारा प्रिजर्वेटिव ऐसा होना चाहिए कि वो कम मात्रा में लकड़ी का ज़्यादा एरिया कवर कर सके, ताकि हमारा जो प्रिजर्वेटिव है वो इकोनॉमिकल साबित हो सके। हमारा प्रिजर्वेटिव ऐसा होना चाहिए कि उसको यूज़ करने के बाद हम लकड़ी पर डेकोरेटिव ट्रीटमेंट कर सकें। जैसे कि हमने लकड़ी को प्रिजर्वेटिव का यूज़ कर दिया लेकिन उसके बाद भी हम उस पर पेंट या वार्निश आसानी से कर सकें। प्रिजर्वेटिव ऐसा होना चाहिए कि जो टिम्बर की स्ट्रेंथ है वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। प्रिजर्वेटिव ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर अनप्लीजेंट स्मेल नहीं होनी चाहिए। हमारे प्रिजर्वेटिव पर लाइट, हीट और पानी, इसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। प्रिजर्वेटिव के ऊपर फंगस और दीमक, इनका इफेक्ट्स नहीं होना चाहिए। और साथ ही में हमारा प्रिजर्वेटिव ऐसा होना चाहिए कि वो फंगस और दीमक को मार भी सके। इसके साथ ही प्रिजर्वेटिव ऐसा होना चाहिए कि आग के कांटेक्ट में आकर वो आग ना पकड़ सके, यानी फायर प्रूफ होना चाहिए। प्रिजर्वेटिव ऐसा होना चाहिए कि अगर वो मेटल के कांटेक्ट में आ गया है तो वो मेटल के ऊपर जंग या उस पर कोरोजन का इफेक्ट ना कर सके। हमारा प्रिजर्वेटिव ऐसा होना चाहिए कि जब उस पर उसको लकड़ी के ऊपर यूज़ करें तो वो लकड़ी के फाइबर के अंदर 6 mm से लेकर 25 mm तक पेनिट्रेट कर जाए, यानी कि 6 mm से लेकर 25 mm की गहराई तक प्रिजर्वेटिव को लकड़ी के फाइबर के अंदर घुस जाना चाहिए। इसके बाद हम जानेंगे कि मेथड ऑफ टिम्बर प्रिजर्वेशन। यहाँ पर हम दो तरीके से टिम्बर प्रिजर्वेशन को जानेंगे, पहला तो मेथड के थ्रू और सेकंड जो हमारे प्रिजर्वेटिव हैं उसको किस तरीके से अप्लाई करना है
उसके थ्रू। तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ मेथड की बात कर रहे हैं, और अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर हम प्रिजर्वेटिव्स की भी बात करेंगे। तो मेथड की बात करें तो हमारे पास ब्रशिंग के द्वारा प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, स्प्रेइंग के द्वारा कर सकते हैं, इंजेक्टिंग अंडर प्रेशर के द्वारा कर सकते हैं, डिपिंग के द्वारा कर सकते हैं, चारिंग, चारिंग का मतलब होता है झुलसाना, यानी कि आग के अंदर लकड़ी को हल्का सा झुलसा देना, उसको हम बोलते हैं चारिंग प्रोसेस। इसके द्वारा भी हम टिम्बर प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, हॉट एंड कोल्ड ओपन टैंक ट्रीटमेंट के द्वारा भी हम टिम्बर का प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रिजर्वेटिव हम टिम्बर पर यूज़ कर सकते हैं, और आगे भी हम जानेंगे डिटेल में इसको यूज़ करने की क्या प्रोसेस है और क्या क्या इसके क्राइटेरिया हैं। तो हमारा जो मेन प्रिजर्वेटिव है वो है कोल तार, SQ, फायर प्रूफिंग, ऑयल पेंट, सोलिग्नम पेंट, क्रियोसेट ऑयल और केमिकल सॉल्ट्स, जिसमें कॉपर सल्फेट, जिंक क्लोराइड, मरकरी क्लोराइड, बोरेक्स, हेक्साक्लोरोबेंजेन आदि आते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन कौन से मेथड हैं जिनके द्वारा हम टिम्बर प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता हमारा ब्रशिंग। ब्रशिंग सबसे इजी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ब्रशिंग में हम क्या करते हैं, पेंट या वार्निश को लेकर लकड़ी की सरफेस पर स्प्रेड कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, जब भी हम पेंट या वार्निश का यूज़ कर रहे हैं तो जो हमारी टिम्बर है वो अच्छे से सीजन्ड होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर कोई भी मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जब भी हम पेंट या वार्निश करें तो उसके 2 या 3 कोट करें, और हर कोट के बीच में थोड़ा सा इंटरवल रखें। इसके बाद आता हमारा स्प्रेइंग। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर एक स्प्रे गन दे रखी है जिसके द्वारा स्प्रेइंग की प्रोसेस की जाती है। इसमें भी आप पेंट या वार्निश का यूज़ कर सकते हैं, उसको स्प्रे करके लकड़ी के ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। स्प्रेइंग का ये फ़ायदा है कि ये करना आसान है और ये टाइम सेविंग भी है। इसके बाद आता है इंजेक्टिंग अंडर प्रेशर। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा प्रिजर्वेटिव है उसको प्रेशर के द्वारा लकड़ी के अंदर एंटर कराया जाता है, और बेसिकली जहाँ पर हम क्रियोसेट नाम का प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, जहाँ भी हम क्रियोसेट ऑयल का यूज़ करेंगे जो कि प्रिजर्वेटिव है, वहाँ पर इस प्रोसेस का यूज़ करेंगे। और इसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट प्लांट आता है जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये जो प्रोसेस है काफ़ी कॉस्टली होता है, लेकिन इसके द्वारा जो हमको लकड़ी मिलती है वो अच्छी प्रिजर्वेटिव वाली मिलती है। यहाँ पर हम देखेंगे डिपिंग एंड स्टेपिंग मेथड। इसके अंदर क्या होता है, एक टैंक होता है और इसके अंदर हमारा सॉल्यूशन भरा रहता है, और इसमें हम जो हमारा टिम्बर है जिसको हमको प्रिजर्वेशन करना है उसको अच्छे से डुबो देंगे। ये जो विधि है हमारी ब्रशिंग और स्प्रेइंग से अच्छी है, क्योंकि इस विधि में क्या होता है, जो हमारा प्रिजर्वेटिव है वो लकड़ी के फाइबर के अंदर तक आसानी से पहुँच जाता है। इसके इफ़ेक्टिवनेस के लिए इसमें कुछ दिन या कुछ सप्ताह का समय लग सकता है। यहाँ पर जानेंगे हम चैरिंग मेथड क्या होता है, जिसको हमने क्या कहेंगे, झुलसाना। तो हमको लकड़ी के जिस भी भाग का प्रिजर्वेशन करना है उतने भाग को हम लकड़ी में बर्न कर लेंगे, और थोड़ी देर के बाद उसको पानी में बुझा लेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, जब भी हम बर्निंग की प्रोसेस करेंगे तो वो इस तरीके से करेंगे कि लकड़ी की टॉप सरफेस से 15 mm तक अंदर तक लकड़ी जो है बर्न हो जाए, और इस तरीके से जो ऊपर की सरफेस है जो जल गई है उसके अंदर का जो सैप या नमी है वो तो बाहर निकल गई, तो अब क्या होगा, उस पर जो दीमक या फंगस है किसी भी तरीके का जो अटैक है नहीं कर पाएगी, और जो हमारे अंदर की बची हुई लकड़ी है वो
आसानी से बच जाएगी। इसमें एक ही नुकसान है कि जब भी हम इस तरीके से प्रिजर्वेशन करते हैं तो जो लकड़ी की बाहरी सरफेस है वो काली हो जाती है, जिसके कारण इसका यूज एक्सटीरियर वुड वर्क में नहीं कर सकते। इस तरीके के प्रिजर्वेशन का यूज़ हम वुड के फेंसिंग पोल में और टेलीफोन के पोल में करते हैं, जिनका जो निचला सिरा है वो ज़मीन के अंदर रहता है, यानी कि वो सिरा दिखाई नहीं देता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चायरिंग मेथड का यूज़ उन जगहों पर करेंगे जहाँ पर लकड़ी दिखाई ना दे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं किस तरीके से चायरिंग मेथड को किया जा रहा है। अब हम जानेंगे हॉट एंड कोल्ड ओपन टैंक ट्रीटमेंट क्या होता है। इस ट्रीटमेंट के अंदर हमारा एक टैंक होता है, जैसा कि इस पिक्चर में यहाँ पर दे रखा है। इसके अंदर हम प्रिजर्वेटिव का सॉल्यूशन बनाएंगे, उसके अंदर टिम्बर डालेंगे और टिम्बर डालने के बाद इस सॉल्यूशन को हम 85 से 95 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे। अब होगा क्या, जब हम इसको गर्म करेंगे तो जो टिम्बर के अंदर की एयर है वो एक्सपेंड होगी और वो बाहर निकल जाएगी, और इसके बाद हम इस सॉल्यूशन को कूल कर लेंगे, और जैसे ही कूलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो लकड़ी के अंदर एंटर कर जाएगा। क्योंकि जब लकड़ी गर्म हुई थी, यानी जब सॉल्यूशन गर्म होगा तो लकड़ी के अंदर की एयर है वो भी गर्म होगी, और वो गर्म होकर क्या होगी, एक्सपेंड होकर बाहर निकल जाएगी, जिससे क्या होगा, लकड़ी के अंदर एक पार्शियल वैक्यूम बन जाएगा। और जैसे ही इस सॉल्यूशन को ठंडा करा हमने, उस वैक्यूम को भरने के लिए हमारा जो सॉल्यूशन है वो उस एयर की जगह ले लेगा और हमारा जो सॉल्यूशन है वो लकड़ी के अंदर एंटर हो जाएगा। इस तरीके से जो हमारी लकड़ी है वो अच्छे से प्रिजर्व हो जाएगी। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से प्रिजर्वेटिव का यूज़ करा जाता है और कैसे करा जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कोल्ड टार प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं। कोल्ड टार के अंदर क्या क्वालिटी है कि एक तो ये वाटर प्रूफ होता है, ये फायर प्रूफ होता है, ये पेस्टिसाइड प्रूफ होता है, ये ड्यूरेबल होता है और बहुत ही चीप होता है, और ये आसानी से मिल भी जाता है। जब भी हमको कोल तार के द्वारा टिम्बर के ऊपर प्रिजर्वेशन की प्रोसेस करनी होती है तब हम कोल तार को गर्म करते हैं, जिससे वो लिक्विड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और एक ब्रश के द्वारा हम इसको लकड़ी के ऊपर अप्लाई कर देंगे। इसकी सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है कि कोल टार देखने में काला होता है, जिसके वजह से हम इसका यूज एस्थेटिक लुक वाली जगह में नहीं कर सकते। तो इसी कारण से कोल तार वाली विधि का यूज़ हम वहाँ पर करेंगे जहाँ पर लकड़ी दिखाई ना दे, जैसा कि दरवाज़ों के इनर पार्ट्स में, विंडो के इनर पार्ट्स में, लिंक्स के इनर पार्ट्स में, और जो लकड़ी के खंभे होते हैं उनके इनर पार्ट्स में, जो कि ज़मीन के अंदर गड़े होते हैं। आप इस पिक में देख सकते हैं ये कोल तार है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लकड़ी के ऊपर इसको अप्लाई करा जा रहा है। अब हम जानेंगे ऑयल पेंट का यूज़ हम कैसे करते हैं। ऑयल पेंट का यूज़ हम वेल सीजन्ड वुड पर ही करेंगे, और जनरली जब भी हम ऑयल पेंट के द्वारा लकड़ी को प्रिजर्व करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि ऑयल पेंट के लगभग 2 से 3 कोट तो करे ही जाएं। जब भी हम ऑयल पेंट करते हैं तो उससे ये फ़ायदा होता है कि लकड़ी मॉइस्चर से भी बचती है और साथ में इसकी जो सुंदरता है वो भी बढ़ती है। इसका एक ड्रॉबैक यह है कि अगर हमने ऑयल पेंट का यूज़ ऐसी लकड़ी पर कर दिया जो कि वेल सीजन्ड नहीं है, यानी कि इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बचा हुआ है, और हमने इसको ऊपर कर दिया ऑयल पेंट, तो ये जो पेंट है उस मॉइस्चर को ब्लॉक कर देगा और धीरे धीरे वो जो मॉइस्चर या सैप है वो लकड़ी को गलाना शुरू कर देगा और जो हमारी लकड़ी है वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए ऑयल पेंट का यूज हमेशा अच्छे तरीके से वेल सीजन्ड वुड पर ही करना चाहिए।
ऑयल पेंट की जो एज है वो 3 से 5 साल होती है, इसलिए 3 से 5 साल के बाद फिर से लकड़ी के ऊपर ऑयल पेंट का यूज़ करना पड़ता है। इसके बाद देखेंगे हम सोलिग्नम पेंट का यूज़ प्रिजर्वेशन के लिए कैसे करते हैं। तो सोलिग्नम पेंट एक ऐसा पेंट है जो कि हॉट कंडीशन में ब्रश के द्वारा यूज़ करा जाता है, और सबसे अच्छी क्वालिटी है इसके अंदर कि ये दीमक से बचाता है लकड़ी को। सोलिग्नम पेंट कई कलर्स में भी आता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, आपको जैसा कलर चाहिए सोलिग्नम पेंट उस कलर में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ग्रीन कलर में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर में सोलिग्नम पेंट का यूज़ करा गया है। इसके बाद हम देखेंगे केमिकल सॉल्ट का यूज़ हम प्रिजर्वेशन के लिए कैसे करते हैं। तो केमिकल सॉल्ट जिसमें कि कॉपर सल्फेट आता है, मरकरी क्लोराइड आता है और जिंक क्लोराइड आता है, ये ऐसे प्रिजर्वेटिव हैं जो कि पानी के साथ घोलकर एक सॉल्यूशन बनाते हैं, और इन सॉल्यूशन को हम ब्रश की मदद से लकड़ी के ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। इनकी खास बात ये है कि ये ऑर्डरलेस होते हैं, और साथ ही में ये किसी भी तरीके की आग के कांटेक्ट में आने पर फ्लेम जनरेट नहीं करते हैं। इसके बाद आता हमारा क्रियोसोट ऑयल प्रिजर्वेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये हमको मिलता कहाँ से है। तो क्रियोसोट ऑयल हमको मिलता है टार के डिस्टिलेशन से, और इसका कलर होता है काला या भूरा। इसकी स्मेल सूंघने में अच्छी नहीं होती है, लेकिन ये ड्यूरेबल होता है। ये दीमक के अगेंस्ट अच्छी रेजिस्टेंस पावर रखता है, लेकिन अगर हम क्रियोसेटिंग के द्वारा प्रिजर्वेशन करते हैं तो उस टिम्बर के ऊपर पेंट नहीं करा जा सकता, क्योंकि क्रियोसेटिंग क्या है, एक ऑयल है, और ऑयल के ऊपर हम पेंट नहीं कर सकते। क्रियोसोटिंग ऑयल के द्वारा हमारे जो टिम्बर की लाइफ है वो डबल हो जाती है, और जो इसका वेट है वो भी कांस्टेंट रहता है। क्रियोसोट ऑयल जो है हमारा वो फ्लेमेबल होता है, इसलिए इसका यूज हम ऐसी जगह पर नहीं करेंगे जहाँ पर जो लकड़ी है वो फायर के कांटेक्ट में आने की संभावना रखती हो। जनरली क्रियोसोट ऑयल का यूज़ हम वुड पाइल्स, पोल्स और रेलवे स्लीपर पर करते हैं। हालांकि अब रेलवे स्लीपर कंक्रीट के आ रहे हैं, तो यहाँ पर अब इसका यूज़ नहीं किया जाता है। तो इसका जो प्रोसेस है वो क्या है, तो क्रियोसोट ऑयल की विधि यूज करने से पहले टिम्बर को सबसे पहले वेल सीजन्ड एंड ड्राई होना चाहिए, और इसके बाद इस लकड़ी को हम एक एयर टाइट चैम्बर में रखेंगे। उस एयर टाइट चैम्बर में से हम एयर को निकाल लेंगे, यानी कि जो हमारा चैम्बर है उसमें से हमने एयर निकाल ली, यानी कि हमने उसके अंदर एक पार्शियल वैक्यूम बना दिया। और जैसे ही हमने पार्शियल वैक्यूम बनाया तो जो लकड़ी के अंदर मौजूद मॉइस्चर या सैप था वो निकल के बाहर आ गया। उसके बाद हमने जो क्रियोसोट ऑयल है उसको चैम्बर के अंदर हाई प्रेशर, जो कि 0.7 से लेकर 1 N/mm² तक होता है, इस पर इस चैम्बर में भेजेंगे, और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और 2 घंटे के बाद जो हमारा टिम्बर है इस क्रियोसोट ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो हमारा टिम्बर या लकड़ी है अच्छे से प्रिजर्व हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे हमारा SQ प्रिजर्वेशन कैसे कराया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि SQ बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। तो SQ बनाने के लिए हमको चाहिए हाइड्रेटेड आर्सेनिक पेंटाक्साइड 1 भाग, कॉपर सल्फेट जिसको नीला थोथा भी बोलते हैं 3 पार्ट, सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट 4 पार्ट। तो इन सब को इन मात्रा में मिलाकर बनता है हमारा SQ, और ये होता है एक पाउडर की फॉर्म में। इसका सबसे पहले निर्माण करा था फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में। SQ का यूज़ हम कैसे करेंगे वो जान लेते हैं। इसके लिए हम लेंगे
छः पार्ट एसक्यू और 100 पार्ट पानी। यानी कि अगर हमारा यहाँ पर 100 लीटर पानी है तो वहाँ पर 6 लीटर एसक्यू पाउडर लेंगे और इनको आपस में मिलाकर एक सॉल्यूशन बना लेंगे और इस सॉल्यूशन को हम टिम्बर के ऊपर स्प्रे करेंगे। इसकी सबसे अच्छी बात है यह है कि इस एसक्यू में किसी भी तरीके की कोई ऑर्डर यानी कि कोई भी स्मेल नहीं होती है और ये जो है लकड़ी को दीमक से भी बचाता है और साथ ही में एसक्यू प्रोसेस करने के बाद हम टिम्बर के ऊपर पेंट और वार्निश ये भी आसानी से कर सकते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये एक एसक्यू है जो कि आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा और इसको पानी के साथ मिक्स करके लकड़ी पर स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद आता हमारा फायर प्रूफिंग। लकड़ी को कम्प्लीटली फायर प्रूफ तो नहीं बनाया जा सकता लेकिन कुछ केमिकल मटेरियल ऐसे हैं जो लकड़ी को कुछ हद तक फायर प्रूफ बनाते हैं जैसे कि अमोनियम सल्फेट, फास्फेट, क्लोराइड बोरेक्स एंड सोडियम आर्सेनेट बोरिक एसिड। इन सारे केमिकल्स को हम लकड़ी के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं और लकड़ी कुछ हद तक फायर प्रूफ बन जाती है। तो आई होप आपने इस वीडियो में टिम्बर प्रिजर्वेशन के बारे में जाना होगा, कौन कौन से प्रिजर्वेटिव यहाँ पर यूज़ होते हैं ये भी जाना होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।